हाय फ्रेंड्स, पेट इंडस्ट्री का करोड़ों रुपये का बिजनेस सिर्फ दो बातों पर निर्भर है, एक डॉग के खुजली का इलाज और दूसरा है डॉग के बाल गिरने का इलाज। आइए देखते हैं डॉग के खुजली के इलाज। आपने ये देखा होगा कि डॉग को कभी कभी लाल लाल दाना दाना हो जाता है पूरे बॉडी में, वो बहुत ही इचिंग करता है और खुजलाता है, खुजाते खुजाते वहाँ पे वो जो है लाल दाना काला हो जाता है, और काला होने के बाद भी अगर आपने नहीं देखा तो उसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और समझिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद भी आपने अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो फिर क्या होगा, तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन होने के बाद उससे बदबू आने लगती है, जिसको कहते हैं माउसी ओडर, चूहा चूहा गंध आता है, मीठा मीठा गंध आता है, तो इस गंध से तो उसके बाद मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत ही उसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही खर्चीला हो जाता है। तो आइए कैसे क्या करते हैं इसमें जान लीजिए। अगर आपने समझ के लाल लाल दाना हो जाता है बॉडी में, तभी अगर आपने इलाज कराने की सोची तो उस समय का इलाज बहुत ही आसान होता है। लाल लाल जो दाना होता है बॉडी में, उसमें आप स्किन लोशन लगाइए दिन में दो बार, सिबोलाइटिक शैम्पू एवं क्लीनर एम शैम्पू से नहलाइए और उसके डाइट में चेंज कीजिए, डाइट थोड़ा प्रोटीनस होना चाहिए। तो ये अगर करेंगे तो इस स्टेज में वो डॉग ठीक हो जाता है। हाँ, एक और दवा देने की आवश्यकता पड़ती है कभी कभी, दैट इज़ आइवरमेक्टिन, नियोमेक का इंजेक्शन। नियोमेक इंजेक्शन अगर आप देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। नियोमेक इंजेक्शन 1 ml पर 36 kg बॉडी वेट देते हैं, काफ़ी सारे लोग या जो है अनजाने लोग उसे ज़्यादा दे देते हैं, तो ज़्यादा नहीं देना है, 1 ml पर 36 kg बॉडी वेट हमेशा याद रखिएगा। 18 किलो का है, 20 किलो का है तो समझिए कितना देना पड़ेगा, 0.5 ml, वो भी सब कट। ये सप्ताह में एक दिन देंगे, शैम्पू करेंगे, डाइट में चेंज करेंगे और उस पर लोकली किस्किन लोशन लगाएंगे, तो इस स्टेज में लाल लाल जब दाना दाना रहता है इस स्टेज में मेंज जिसको कहते हैं वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर समझिए आप लोग इस वक्त ध्यान नहीं दिया और डॉग जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस स्किन में हो गया, मतलब खुजाते खुजाते वो डॉग जो है उसमें मेंज से लाल लाल दाना जो था वो काला बन गया, तब आप क्या करेंगे, तब आपको फिट बैंड शैम्पू से नहलाना पड़ेगा। उसका भी लिंक मैं दे दूंगा नीचे में, और पेट बैंड शैम्पू से नहला के उसके बाद उसको एक न्यूट्रीकोट एडवांस भी देना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, प्लस ये जो दवाइयां हैं जैसे उस वक्त जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन चूँकि हो जाता है इसलिए एक एंटीबायोटिक देना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में एंटीबायोटिक देंगे, लिक्सन टैब दे सकते हैं और बायरोसिन दे सकते हैं, अवेलेबिलिटी पर है, ये सब अगर टैबलेट देंगे, लिक्सन टैबलेट अबाउट अगर छोटा डॉग है तो 300 mg वाला देंगे, अगर बड़ा डॉग है तो 600 mg वाला देंगे, और अगर ये देने के बाद, ये मैं बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि आप भी करने लगें, आप अपने वेटनरी डॉक्टर से सलाह लें उसके बाद ही किससे करवाएं। तो लिक्सन टैबलेट दीजिए और न्यूट्रीकोट एडवांस खिलाइए, प्लस जो है किस्किन लोशन लगाइए, शैम्पू कीजिए पेटबेन से या सिबोलाइटिक से, और एक बार तो पेटबेन शैम्पू से करना पड़ेगा, और अगर टिक्स वगैरह भी है इसके साथ साथ, कभी कभी टिक्स भी रहता है, तब आपको क्लीनर पेट शैम्पू से नहलाना पड़ेगा या कोई एंटी टिक शैम्पू से नहलाना पड़ेगा। तो ये सब कीजिएगा कम से कम 15-20 दिन, तब आपका डॉग ठीक हो जाए। ये जो जगह है वो दसम फॉल है, खैर हम लोग जो बात कर रहे थे, अगर समझिए आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसमें इलाज कर लिए तो ये तो जो करना है मैंने बताया, लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फंगल इन्फेक्शन हो जा रहा है और बदबू भी आने लगता है बॉडी से, तब उसे एंटी फंगल, हाँ अगर ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तब इसे एक फंगल दवा देना ज़रूरी पड़ जाता है। फंगल दवा जैसे आप कीटोक्लोर शैम्पू दे सकते हैं, फिर पेटोरल के
एक टैबलेट होता है या केपेट जिसको कीटोकोनाजोल कंपोजिशन होता है वो अगर देंगे तभी फंगल इन्फेक्शन दूर होगा। तो पहले कीटो उसमें क्या होता है ना, फंगल इन्फेक्शन भी साथ में रहता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन दूर करने के लिए कीटोक्लोर देंगे, कीटोकोनाजोल का टैबलेट मतलब के पेट यानी तो पेट ओरल के 200 मिलीग्राम ये, और उसके साथ साथ कीटोक्लोर से नहलाएंगे। 10 दिन ये करने के बाद उसका जो फंगल इन्फेक्शन चला जाएगा उसके अंदर का बैक्टीरियल इन्फेक्शन लेकिन फिर भी रहेगा। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए फिर 15 दिन के बाद लिक्सन टैबलेट देंगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा, लिक्सन टैबलेट देंगे। और लेकिन ऐसी स्थिति में जब फंगल हो जाता है, जब बुदबू आने लगता है तो उसे किस्किन लोशन नहीं लगाते हैं, किस्किन लोशन इस स्टेज में लगाने से बढ़ जाएगा। तो किस्किन लोशन नहीं लगा के हम लोग सिर्फ यही करते हैं कि उसे एंटी फंगल शैम्पू से नहलाते हैं। उसके पॉज में भी बहुत घाव हो जाता है ना वो पैर में, उसको भी हम लोग एक एंटी फंगल शैम्पू जैसे कीटोक्लोर शैम्पू को मग में घोल के उसके पैर को डुबाते हैं और फिर डुबा के 5 मिनट रख के उसको पोंछते हैं तो उससे वो ठीक होता है। तो ये करना पड़ता है एक्सटेंसिव फंगल इन्फेक्शन, भगवान करे उतना स्टेज तक नहीं पहुँचे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही आपका डॉग अगर चेक हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन का जाने में कम से कम 3 महीना लगता है, बहुत ही पेनफुल होता है डॉग के लिए। तो ये तो हो गया कि मेंज की वजह से खुजली, जिसे आप सभी को जानते होंगे, लाल लाल दाना तो आपने देखा ही होगा बॉडी में डॉग्स का। इसके अलावा और भी खुजली के कारण, एक मेन कारण है फूड एलर्जी। आपका डॉग समझिए कि सब तरह से ठीक है, कीड़ा भी नहीं है, फंगस भी नहीं है, अदरवाइज हेल्दी है, लेकिन अचानक से कहीं बैठ जाएगा और खुजलाने लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में आपको फूड चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, फूड ऐसा जो उसकी एलर्जी को कंट्रोल कर पाए। उसके लिए भी डॉग का फूड है तरह तरह का, जो आप प्रेजेंट फूड दे रहे हैं उसको चेंज कीजिए, रोटी या आटा ये सब देना बंद कीजिए या आटा का प्रोडक्ट, और उसका जो है आप राइस दे सकते हैं, आलू दे सकते हैं, चिकन मटन दे सकते हैं। चिकन मटन रेगुलर देना पड़ेगा, अगर आप चिकन मटन सप्ताह में एक दिन देंगे तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम फेल कर जाएगा, वो हानि करेगा। चिकन मटन जब भी दीजिए तो उसे रेगुलर दीजिए, रोज़ दीजिए, तभी आपका डॉग का केयर हो पाएगा। और अगर झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप फेट प्रो का खाना दे सकते हैं, और रॉयल कैनिन का भी हाइपो एलर्जेनिक डाइट आता है वो दे सकते हैं, और भी कभी आर्डिन ग्रांच कंपनी का भी आता है हाइपो एलर्जेनिक डाइट वो दे सकते हैं। ये सब देने से आपका जो फूड एलर्जी के कारण जो डॉग में खुजली हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। और अगर आप देख रहे हैं कि इसके अलावा टिक्स के कारण भी खुजली होता है, बॉडी में टिक्स है तो खुजाएगा ही, या छोटा छोटा कीड़ा है तो खुजाएगा ही, अगर वो लेकिन दिखेगा आपको, अभी तक जितना मैंने बताया उसमें दिखेगा नहीं कुछ, आई इसमें दिखेगा टिक्स दिखेगा। तो टिक्स में हमेशा दीजिए आपके स्प्रे, या तो नेफली स्प्रे नहीं तो ये विप्रो स्प्रे, नेफली स्प्रे इज़ बेटर, नेफली उसका भी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी। और नेफली स्प्रे देंगे तो वो जो है सप्ताह में एक दिन देंगे, उसे पूरे बॉडी में देंगे और नहलाने के बाद देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो देने से वो फिर कंट्रोल हो जाएगा, टिक्स नहीं रहेगा और वो आपका खुजली बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बाज़ार में बहुत सस्ता स्प्रे थोड़ा महंगा आता है, सस्ता में मिलता है पाउडर, वो कभी नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो जो होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन है, वो अगर दे देंगे तो वो फिर आपके चाय में बॉडी खाने में जा सकता है उल्टी, फिर आपको एक पॉइजनिंग होने का चांस हमेशा बना रहेगा, ऐसा क्यों पड़ना है। इसलिए आप उसे बिल्कुल भी नहीं देंगे। और टिक्स के लिए बेस्ट है कि टिक्स शैम्पू जैसे क्लीनर पेट क्लीनर और भी काफ़ी सारे वाईफाई स्प्रे, बहुत सारे नामी नामी कंपनियों का शैम्पू आता है वो शैम्पू है, और प्लस या सबसे इफेक्टिव होता है नेफली स्प्रे या एपिक्रो स्प्रे, वो देखिए टिक्स कंट्रोल हो जाएगा और खुजली भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से करने से आपका खुजली जो है दूर हो जाएगा। ये मैंने 3 जो है प्रमुख बातें बताई जो मतलब हाँ, तो ये मैंने बताया 3 कारण जो मेंज के कारण, फूड एलर्जी के कारण एवं टिक्स के कारण। इसके अलावा सैकड़ों और कारण हैं जिसमें से डॉग्स को खुजली हो सकता है, लेकिन उन सभी कारण पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं।
अभी इसको सिंपल रखते हैं, जो भी सबसे प्रमुख कारण है उसका डिस्कस किया हमने इस वीडियो में। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये जो साइट है इसे आप ज़रूर से विज़िट कीजिए, ये दसम फॉल है और आपको अच्छा लगेगा इसमें आएंगे तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।